हाँ जी स्टार्ट करें, काम शाम खत्म हो गए, मैसेज मैसेज खत्म हो गए। दो टॉपिक्स हैं हमारे रह गए हैं, इसके बाद हमारा ऑन साइट वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक लेक्चर हमारा होगा ऑफ साइट का कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है, और उसके बाद हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे, फिर नए टॉपिक पर चले जाएंगे, नए मॉड्यूल पर चले जाएंगे। इसके बाद हमारे मॉड्यूल्स रहते हैं, गूगल एड्स भी रहता है, फेसबुक भी रहता है, ठीक है ना, यूट्यूब भी मेरा ख्याल रहता है, ठीक है। तो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है शायद उनका सर्च कंसोल भी रहता होगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी रहती होगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं जो है ना वो शुरू करूँगा, नहीं वो जो जिनका जो रहता है ना वो एंड पे करेंगे, ताकि जो पहले से कंटिन्यू चल रहे हैं उनको एकदम हम बीच में से वाइंड अप कर देंगे ना, फिर जिनका जो टॉपिक रह जाएगा वो वाला टॉपिक हम शुरू कर लेंगे, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों का टाइम ना इसमें वेस्ट हो, इस तरह फिर लेंथ भी बढ़ेगी ना कोर्स की, बाद में बेशक रिपीट करना हो वो तो आप कर ही सकते हैं। अच्छा, आज का एक पहला टॉपिक क्या है जी हमारा, सर्च कंसोल। सर्च कंसोल क्या चीज़ होती है, नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि कोई ऐसा कंसोल है जो सर्च करने में हमारी हेल्प करेगा, और ये किसका कंसोल है, सर्च कंसोल है गूगल का सर्च कंसोल है, तो हमारी जो वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी भी तो गूगल पर ही हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें गूगल पे जो चीज़ें हमारी नज़र आ रही हैं उनमें हेल्प आउट करेगा। कैसे हेल्प आउट करेगा, सर्च कंसोल टूल्स एंड रिपोर्ट्स, यानी इससे टूल्स भी मिल जाते हैं, ये टूल है जो कि आपको रिपोर्ट भी देगा, मेजर योर साइट सर्च ट्रैफिक कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितनी ट्रैफिक है, एंड परफॉर्मेंस और आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ठीक है, फिक्स इश्यूज और उसके इश्यूज को आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये कोई प्लेटफॉर्म फिक्स करने के लिए नहीं है, ये हमें सिर्फ बताएगा कि इश्यूज आ रहे हैं, तो वो इश्यू डेवलपर की साइट के होंगे या वो SEO की साइट के होंगे, हमें टारगेट हमें ही करने हैं, लेकिन यहाँ से हमें पता लग जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो सर्च कंसोल हमें बता देगा, लेकिन अगर हम सर्च कंसोल पे नहीं आए होंगे और हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो हमें पता भी नहीं लगेगा, समझ आ गई ना बात की। इन सब चीज़ों का हमें क्या फ़ायदा होगा कि जब हम ये सब कुछ कर रहे होंगे तो हम अच्छे तरीके से अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट ग्रो करे। तो ये मैंने आपको एक मुख्तसर सा बताया है कि सर्च कंसोल होता क्या है, अभी सिर्फ समझाया है, अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि काम कैसे करता है। सो पहले हम देखते हैं ये जो सर्च कंसोल बना हुआ है एक उसको देखते हैं और उसके बाद मैं आपको नया सर्च कंसोल बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। एक चीज़ तो हमें कन्फर्म हो गई है कि ये गूगल का सर्च कंसोल है, तो इसका मतलब ये है कि ये कहाँ बनेगा, गूगल के जीमेल अकाउंट से बनेगा। हमें एक प्रैक्टिस और करनी चाहिए, वो क्या, कि हम देख रहे हैं मोस्टली काम जो है हम कहाँ से कर रहे हैं, गूगल से करने लगे हुए हैं, हम मोस्टली काम अपने सारे टास्क गूगल से कर रहे हैं, इसलिए जहाँ जहाँ गूगल का वो हमसे यूजर नेम पूछता है हमें चाहिए कि एक ही जीमेल अकाउंट रखें जिसको हम हर जगह पे इस्तेमाल करें, ठीक है, ये बहुत अहम बात है। मतलब हमने अपना कोर्स शुरू किया था बिजनेस प्रोफाइल से, बिजनेस प्रोफाइल से SEO में आगे, SEO से गूगल ऐड में जाएंगे, गूगल ऐड से फेसबुक पे जाएंगे, जहां जहां भी हमें जीमेल यूज करना है हमें कोशिश करनी है कि हम पहले एक यूनिवर्सल अपना जीमेल अकाउंट बना लें। इसी तरीके से जो हमारे नाम होंगे, आइडेंटिटी होगी, वो भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक ही बनाएं। जैसे मैं कहूँ ना भाई वेबसाइट का नाम है peaksolutions.edu.pk, तो मैं कहता हूँ भाई मेरा जो पेज है उसका नाम भी पीक सॉल्यूशंस ही होना चाहिए, मेरा जो ट्विटर है उसका नाम भी पीक सॉल्यूशंस ही होना चाहिए, मेरा इंस्टाग्राम भी पीक सॉल्यूशन के नाम से ही हो, मेरा लिंक्डइन भी पीक सॉल्यूशन के नाम से हो, मेरा चैनल भी पीक सॉल्यूशंस के नाम से हो, ताकि हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ रिकॉग्नाइज हो, ठीक है, और इस तरह हमें एडवर्टाइज करने में भी बड़ी आसानी होगी, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म पर हो गए आप, तो किसी जगह पर मैंने अपना ऐड लगाया होगा तो मैं क्या करूँगा, सारे सोशल मीडिया के बटन लगाऊंगा और उसके आगे सब लिखूंगा पीक सॉल्यूशंस, सबको पता लग जाएगा भाई इनके फेसबुक पर जाना है तो क्या करना है पीक सॉल्यूशन, इनके ट्विटर पर जाना है तो क्या करना है पीक सॉल्यूशन, ये हर जगह पर नाम एक ही चल रहा है। स्टार्ट। अब ये मैं इस वक्त एक ऐसे अकाउंट में हूं जिसके अंदर प्रोफाइल सर्च कंसोल बने हुए हैं, बहुत सारे सर्च कंसोल बने हुए हैं, सो इसका मतलब ये हुआ कि एक जीमेल में हम एक से ज्यादा सर्च कंसोल भी बना सकते हैं। अगर आप लिस्ट देखें, आ रही है ना लिस्ट नजर आपको, आ रही है, नीचे आए तो ये क्या लिखा हुआ है, नॉट वेरीफाइड, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये वाले जो आपको अकाउंट नजर आने लगे हुए ये वेरीफाइड नहीं है,
वेरीफाई का क्या मतलब है कि हमने वेरिफिकेशन कराई है, तो यहाँ या तो हमने वेरिफिकेशन कराई नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि मैंने वेरिफिकेशन कराई हो और उसके बाद रिमूव कर दी हो, तो इसलिए वो लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड। तो जो हमारा अकाउंट सर्च कंसोल पर अप्रूव हो जाएगा उसके साथ नॉट वेरीफाई नहीं लिखा हुआ आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब है नीचे वाले नॉट वेरीफाइड है। ऊपर वाले पे आते हैं, ये एक इन्वेस्टर मैं बार बार यूज भी करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, करता हूँ ना, प्रोफेशनल किचन इसी को बोल देते हैं। सही, प्रोफेशनल किचन क्लाइंट के लिए आपके अपनी तरफ से है। क्लाइंट के जी आ जाए जरा नीचे, आ रही है चीजें। ये क्या लिखा हुआ जी, परफॉर्मेंस पता लग गई, परफॉर्मेंस आ रही है। ये एनालिसिस है जो आपको सर्च कंसोल करके दे रहा है, लेकिन ये एनालिसिस ऐसे नहीं करेगी कि मैं अभी सर्च कंसोल में ना और जब मैं दोबारा देखूं तो एकदम एनालिसिस कहीं से उठा के ले आएगा वो, बल्कि आज की तारीख में मेरा सर्च कंसोल रजिस्टर होगा, तो अब आज के बाद जो भी एक्टिव, यानी मैंने आज कैमरा लगाया ना अपने कॉलेज में, ठीक है, तो अब जब कैमरा लगने के बाद मुझे दिखेगा ना, कैमरा लगने से पहले वाली चीजें तो नहीं मुझे दिख सकती, तो इसका मतलब ये एनालिसिस जो है फिर हम इसको वेट करेंगे कि भाई ये एनालिसिस को जनरेट करें, और फिर मैं 7 दिनों के बाद देखूंगा क्या इसने बताया, फिर मैं महीने के बाद देखूंगा क्या बताया, 2 महीने के बाद देखूंगा क्या बताया, यानी उस दिन के बाद से ये एनालिसिस करना शुरू हो जाएगा जिस दिन मैं इसे बनाऊंगा। अभी मैं बना नहीं रहा हूं, अभी मैंने क्या किया, एक बना हुआ खुला है। तो यहां से हमने उसने हमें क्या बताया जी, परफॉर्मेंस कब की बता रहा है, लास्ट 3 मंथ्स की बता रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। ये क्या लिखा हुआ जी, लास्ट 7 डेज। दिखा रहा है क्या, कहता है इस पे टोटल इंप्रेशंस इतने लगे हैं। अब इंप्रेशंस का क्या मतलब है समझते हैं ना, इंप्रेशंस का क्या मतलब है, स्क्रॉल नहीं, अगर तो आगे चले गए तो इसका तो मतलब है क्लिक हो गया। इंप्रेशंस का मतलब ये है कि लोग सर्च करने लगे, मैं गूगल पर आते हैं कुछ भी सर्च करते हैं, तो उनके सर्च करने के बाद इतनी दफा आप नजर आए, यानी कि गूगल पर ऑटोमेटिकली तो इंप्रेशन कोई नहीं आएगा ना, गूगल पर इंप्रेशन कब आएगा, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करेंगे, तो ये कह रहा है कि जब कुछ सर्च हुआ है तो आपके पिछले 7 दिनों में टोटल कितने इंप्रेशन लगे हैं, 30 30 इंप्रेशन लगे हैं। और अगर मैं नीचे आऊं और, तो क्या कहता है, टॉप क्यूरीज, अब वो सर्च किया ना लोगों ने, तो कहता है ये क्यूरीज है जिनके अगेंस्ट आप सर्च हुए। आप सर्च हुए, ठीक है, सिर्फ सर्च हुए, सर्च होने के बाद गूगल ने क्या किया, आपकी वेबसाइट दिखा दी। हाँ, अब उसने क्लिक किया कि नहीं किया, अब यहां पर वो क्या कह रहे हैं जी, आपका क्लिक थ्रू रेट क्या है यहां पर, 1, यानी कि 30 इंप्रेशन के बाद किसी एक बंदे ने आप पे क्लिक किया। उसके बाद क्या कहते हैं, आपका एवरेज सीटीआर क्या है, सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट, क्या मतलब है, क्लिक थ्रू रेट, यानी वो कहते हैं इतने इंप्रेशन लगे हैं तो आपका सीटीआर क्या आ रहा है, तो कह रहे जी ये आपका सीटीआर है, यहां आया जरा, बेस्ट सीटीआर फॉर ऑर्गेनिक लिख दिया मैंने, क्या कहते हैं ये मेरे जेन में एक मैंने उसको देखा, मेरे जेन में क्वेश्चन आया ना, मैं कहता देखें हमारा हमारा सीटीआर कैसा है पिछले 7 दिनों के हिसाब से, क्या कहता है जी, कहता है अ गुड सीटीआर फॉर ऑर्गेनिक सर्चेज इज एनीथिंग अबाउट 3%। कहता है ऑर्गेनिक सर्चेज की बात हो रही है, कहता है ऑर्गेनिक का मतलब है ये पेड नहीं है, तो अगर ये पेड नहीं है तो आपको याद है ना कीवर्ड का मैंने एक लेक्चर दिया था, तो जिसमें हम एग्जैक्ट कीवर्ड्स की भी बात कर रहे होते थे, तो उसके अंदर तो आइडियाज के साथ भी हमारा एड ट्रिगर कर जाता होता था, ठीक है। सो इसका मतलब है ये तो बड़ा सही, और ये ऑर्गेनाइज्ड मेथड है, ये पेड एड वाला मेथड नहीं है, इसके अंदर ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मैं लिखता हूँ ना सोफा वॉशिंग सर्विसेज, तो कोई सोफा बेचने वाले को मैं नजर नहीं आऊंगा, मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो मैं सिर्फ उसी को नजर आऊंगा जो इस तरह का कीवर्ड लिखा, लेकिन जब मैं गूगल ऐड चलाऊंगा तो मैं नजर आ सकता हूं, लेकिन जब मैं ऑर्गेनिक करूंगा तो मैं नजर नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या कहता है, कहता है जी 3% जो है वो अच्छा रेट है, 3% या इससे ज्यादा हो तो ये एक अच्छा रेट होता है। तो आपने देखा है कि मुझे किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ी है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है इसी तरह गूगल पर आकर टाइप कर दो, बस गूगल से आपको उसका जवाब मिल जाएगा, आपका अपडेटेड नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। और ऐसे लग रहा हो कि भाई ये कोई खबर पुरानी खबर तो नहीं है, ये ना हो कि आपने कुछ 6 महीने पहले का अखबार पकड़ लिया हो, हाँ तो हम क्या करें, इधर आए, इधर से पास्ट मंथ कर लेते हैं इसको जरा जी, 2%,
ठीक है, थोड़ा सा और उसने बेहतर कर दिया अब हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में, तो कहते हैं 2% भी काफ़ी है। ठीक है, अच्छा अभी जरा ये पिछले 7 दिनों को हमने देखा, ठीक है जी, अब जरा करते हैं लास्ट 3 मंथ्स का। ये ऑर्गेनिक है, मैंने कहा ये ऑर्गेनिक, 7 दिनों से तो हम एनालिसिस नहीं ना कर सकते हैं, और ये ऑर्गेनिक है, यानी ये ऐसा है कि हमने सिर्फ SEO पर एफर्ट्स किए हैं, हमने गूगल एड्स नहीं चलाए, ठीक है ना, हमने किसी को पैसे देकर एड नहीं चलाए, बल्कि ये नेचुरली इतना ज्यादा ये नजर आ रहे हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर पिछले 7 दिनों में। तो क्या कहता है जी, एवरेज पोजिशन का क्या मतलब है कि एवरेज पोजिशन जो है ना आपकी 19वीं है, 19वीं का मतलब है ना वेबसाइट का नंबर 19वां है, वेबसाइट का 19वें नंबर का मतलब क्या है कि एक कीवर्ड पे तो आप भी जानते हैं कि पहले नंबर पर ही होती है ना, लेकिन और कीवर्ड्स भी तो है ना, और सर्च क्यूरीज भी तो हो रही है, ये देखिए क्यूरीज भी बता रहे हैं 18 टोटल क्यूरीज है इसके पास, 18 नंबर में है जी, इनमें से किसी पे पहले पर है, किसी पे दूसरे पर है, वो कह रहा है एवरेज उसने निकाल लिया ना, तो कहता है 18 क्यूरीज के अगेंस्ट उसकी जो एवरेज पोजिशन बन रही है वो 18वां पेज बनता है, तो ये तकरीबन दूसरे पेज की जगह बनती है, लेकिन हमने जो फोकस कीवर्ड रखा हुआ है उसके ऊपर तो आप देखते हो ना वो पहले नंबर पर ही आती है। अच्छा, अब देखिए हमें यहां से ये भी अंदाजा हो जाएगा क्या कि टोटल कितने इंप्रेशन है, 419। इधर से हमें कीवर्ड अंडरस्टैंडिंग में भी अंदाजा हो रहा है कि हमारा कौन सा कीवर्ड रिस्पॉन्स कर रहा है। कहता है कि सबसे ज्यादा इंप्रेशन जो आपके लगे हैं वो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट पे लगे हैं, उसकी वजह यह है कि हमने उसी को टारगेट किया हुआ, हमने किसी और कीवर्ड को इसमें टारगेट भी नहीं किया हुआ, क्योंकि ये सब डोमेन में जाकर हमने एडवर्टाइजमेंट की हुई है अपनी, हाँ और ज्यादा क्लिक्स भी उसी के ऊपर ही आए हुए, तो अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो हो सकता है कि ये इससे भी शायद ज्यादा हो, 38 को डिवाइड करो ना 131 से, तो आपको पता लग जाएगा कि इसका क्लिक थ्रू रेट क्या है, करेगा बंदा 138 डिवाइडेड बाई 131, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्लिक थ्रू रेट निकल आएगा, हंड्रेड से कर दो ना मल्टीप्लाई 29% अबाउट 30%, यानी कि जो हमारा मेन कीवर्ड है उसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट बहुत ज्यादा है, और ये पेड नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई रॉन्ग नहीं हुआ होगा, ये इंटेंशनली लोगों ने क्लिक किया हुआ है इसको, लोगों को ये चाहिए था तो उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो जी अब ये और चीजें भी हैं, इसको अब आपने खुद से देख लेना है। ठीक है, आगे ये क्या बता रहे थे, किन डिवाइसेस पर बता रहे, डेस्कटॉप के ऊपर कितने क्लिक्स हैं, मोस्टली क्लिक्स इसको डेस्कटॉप पर मिले हुए, इसलिए इसकी जो प्रोडक्ट है वो फॉर इमीडिएट बाय वाली तो नहीं है ना, इसकी प्रोडक्ट क्या है, इमीडिएट इंफॉर्मेशन वाली प्रोडक्ट है, है ना, हाँ, इसका मतलब क्या है कि लोगों ने कॉल करके इंफॉर्मेशन ली होगी ना इनसे, और 11 क्लिक्स उसको मिले हुए हैं, ये एनालिसिस भी हो रहे हैं कि मोबाइल के ऊपर, हमें ये भी अंदाजा हो रहा है कि अब हमारी प्रोडक्ट किस प्लेटफॉर्म की है, ये भी हमें अंदाजा हो रहा है, क्योंकि ये इनके पास जो चीज़ें हैं उनकी कीमत 4 लाख रुपया है, 8 लाख रुपया है, 6 लाख रुपया है, तो किसी ने मोबाइल पर क्लिक करके तो बाय नहीं करनी, हाँ मोबाइल से अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, आपने हेडफोन लेना है ना, आपने इस तरह की छोटी छोटी डिवाइसेस लेनी होती हैं, तो आप फौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग के मूड में होते हो उस टाइम, और बाय करने की पोजीशन में, हाँ कर भी सकते हैं, कोई भी नहीं करता ना, मिसाल के तौर मुझे लैपटॉप लेना है तो इट इज़ पॉसिबल कि मुझे डेल वाले भी आकर मेरे घर में देंगे तो मैं फिर भी 1 लाख रुपया नहीं उन्हें भेजूंगा कि हाँ जी मेरी लैपटॉप लिया, हो सकता है मुझे कलर पसंद ना आए, हो सकता है मुझे किसी साइट के ऊपर कोई निशान लगाओ, मैं कहूँ यार ये क्या है, ये तो ख़राब है, वो कहेंगे नहीं तो आपने कर दिया, तो हम ट्रस्टी तरीका क्या होता है कि हम शॉप पे जाकर चीज़ को खरीदते हैं, बड़ी चीज़ जो होती है उसको शॉप पे जाके लेते हैं, क्योंकि आते हुए भी तो डैमेज हो सकता है, वो भी होती है। ठीक है, चलिए आगे चले, तो ये अभी हमने क्या देख लिया है, ये चीज़ें हम देख रहे हैं, इसके बाद ये क्या लिखा है जी, URL इंस्पेक्शन, चलो जी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैंने कर दिया, URL इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ रहा है, URL इज ऑन गूगल, इसका क्या मतलब हुआ, यानी इसने ये भी बता दिया कि आपकी वेबसाइट क्रॉल भी हो रही है, इंडेक्स भी हो रही है, बहुत सारी वेबसाइट पे हो सकता है ऐसे के, मैं देखता हूँ अगर किसी पे कहता है तो, ये क्या लिखा हुआ जी, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, इसको करो,
एक तो कह रहा है इश्यू डिटेक्ट, नहीं नहीं इसको तो अभी किया ही ना, अभी अभी हम करते हैं, अभी तो हमने किया ही नहीं है, अब हम करते हैं। हाँ जी, अब यहां लिखे क्या लिखूंगी मैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किसी स्टूडेंट ने काम किया हुआ है, और ये तो है ही नहीं है मुझे लगता है वेबसाइट, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज डॉट फोर स्टार इन डॉट कॉम। ये भी कहता है गूगल पर ही है, ठीक है। अच्छा आगे ये क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप जब पहली दफा आएंगे तो हो सकता है वो आपको कहे यू आर एल नॉट ऑन गूगल बट नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स, ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम लगे आपको, तो फिर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, क्या कहता है, कहता है इसमें आपका मिनट या एक से ज्यादा मिनट भी लग सकता है, टेस्टिंग इफ लाइव यू आर एल कैन बी इंडेक्स्ड, कहता मैं चेक करूंगा कि क्या आपकी वेबसाइट है जो ये इंडेक्स की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, रिक्वेस्ट सबमिट हो गई, ठीक है जी। कहता है अब आप बार बार इस पर क्लिक ना करें, एक बार कर दिया आपने तो ऐसे नहीं है कि आपने किया तो मैं फौरन आपको बता दूंगा, कहता बस अब आप खामोश हो जाएं, मैं आपको रिजल्ट दूंगा इसका, अब नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा से इंडेक्सिंग करेंगे और फिर वही आएगा कि यू आर नॉट ऑन गूगल आता है मैसेज, इसका ये मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि भाई वेबसाइट ठीक हुई है हमारी मगर कोई इशू है जिसकी वजह से हम क्राउड भी नहीं हो रहे और इंडेक्स भी नहीं हो रहे, और मेरा ख्याल है आप जानते हैं कि हम क्राउड भी नहीं हो रहे और इंडेक्स भी नहीं हो रहे तो क्यों हो रहा है, ऐसे बताया हुआ ना मैंने आपको, अगर आप क्राउड नहीं होते हैं तो क्या मतलब है आपका, डुप्लीकेट होगा आपका कॉन्टेंट, डुप्लीकेट होगा, वो सारी एसईओ वाली चीज़ों को हमने देखना है कि भाई, और सबसे अहम बात, सबसे पहली बात यह है कि हमने वेबसाइट कॉपी तो नहीं की हुई, वेबसाइट कॉपी करने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि टेम्पलेट कॉपी करना, वेबसाइट कॉपी करने का मतलब है जो उस पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कंटेंट आपका कॉपी तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमने ऑन साइट चीजों को चेक करना शुरू कर देना, अगर ये इशू होगा तो आप पिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप देखो ना मिसाल के तौर पर मैं किसी की पूरी एग्जैक्टली पिक लगा लूँ, मेरा कोई इंप्रेशन अच्छा तो नहीं पड़ेगा ना, क्या ख्याल है, अच्छा तो नहीं पड़ेगा, वो कहेगा यार ये तूने मेरी लगाई हुई, क्लाइंट्स भी कहेंगे आपको कि भाई ये तो उनकी वेबसाइट पर हमने देखा था, तो असल में ये किसका है। तो हमें बेशक हम किसी की भी चीज़ों से आइडियाज लें और उनको नए सिरे से बनाएं, उसके कलर्स चेंज कर लें, ठीक है, ये तो नहीं कि किसी की उठाएं और उसी को लगा दें, उससे तो हमारी वेबसाइट ग्रो भी नहीं होगी, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी उसको। अब आए जरा नीचे, ये क्या लिखा हुआ है जी, साइट में पढ़ा था, देखिए साइट में पढ़ा था ना आप लोगों ने, इस जगह पर आकर जब आपने अपना साइट मैप बनाया होगा तो यहाँ पर आकर आपने अपना साइट मैप भी सबमिट करना है, जो कि ऑलरेडी सबमिट भी हुआ है ना। कैसे सबमिट होता है साइट मैप, अब आप देखिए साइट मैप बना चुके हो, रोबोट में भी डाल चुके हो, याद आ गया ना, मैं क्या साइट मैप बना भी चुके हैं, रोबोट में भी डाल चुके हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सर्च कंसोल को भी बता देंगे भाई हमारा साइट मैप बना हुआ है, ठीक है, ताकि उसको भी आसानी हो क्राउलर को। तो फिर हम यहां पर आएंगे और यहां पर आकर सिर्फ क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइट मैप डॉट XML, क्या लिख देंगे यहां पर, बस, और इसको टेस्ट करेंगे। ये बेसिकली क्या करेगा, ये चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट पर साइट मैप है कि नहीं है। चलो जब उसने एरर दिया ना, इसलिए ये वेबसाइट ही नहीं एग्जिस्ट करती अब, ये वेबसाइट उस डोमेन पे है ही नहीं है, रिमूव कर दी हुई है मैंने, समझे, क्योंकि वो जो एनालिसिस हमें दिखा रहा था वो पुराने एनालिसिस दिखा रहा, तो जैसे मैंने उसे चेक करो साइट मैप को, तो उसने एरर शो कर दिया। हो सकता है, लेकिन मैंने खुद रिमूव किया था, ठीक है, मैंने खुद ही सब डोमेन खत्म की हुई है। अच्छा जी, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ था जी, रिमूवल्स, ये कोई वेबसाइट का पेज आपका इंडेक्स हुआ हुआ है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं उसकी इंडेक्सिंग को खत्म कर दें, यानी वो आपको लग रहा है कि भाई उसको तो अभी मैंने अंडर, यानी उसने इंडेक्स कर लिया, क्या कर रहे हैं आप, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं जी, आपने एक वेबसाइट को क्राउल किया, वो इंडेक्स हो चुकी हुई है, लेकिन आपको लगा कि यार इसमें मैंने अब कुछ चेंजेस कर लिए, पुरानी इंडेक्सिंग नहीं चलनी चाहिए, तो किसी भी इंडेक्स पेज को अगर आपने रिमूव करना हो, पेज रिमूव नहीं हो रहा, उसकी इंडेक्सिंग रिमूव हो रही है, वेबसाइट उधर की उधर है, उसका पेज भी उधर का उधर है, लेकिन जो क्राउलर ने उसको इंडेक्स करके अपने पास रखा हुआ ना रैंक करने के लिए, वो मैं खत्म कर रहा हूँ,
तो अगर आप कभी आपको ऐसा करना पड़े तो इधर आकर आप उसको भी रिमूव कर सकते हो। चलिए इसको कैंसिल करें और नीचे एंटर। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? पेज एक्सपीरियंस। जी पेज एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? पेज एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपका पेज कैसा दिखने लगा हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम यूं करते हैं, प्रोफेशनल किचन पे आ जाते हैं वापस। चलो कहता अभी मेरे पास इसका कोई डाटा नहीं है। ठीक है, पेज एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? पेज एक्सपीरियंस का मतलब है कि लोग इस वेबसाइट को खोल रहे हैं, देख रहे हैं, और क्राउलर इस वेबसाइट को क्राउल कर रहा है। तो पेज एक्सपीरियंस कैसा है यूजर्स का और पेज एक्सपीरियंस कैसा है क्राउलर का, अगर इसमें कुछ इशू आएगा तो वो भी यहां पे नजर आपको आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स क्या चीज होती है? कोर वेब वाइटल्स बेसिकली स्टैंडर्ड है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो कितनी ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली है, उसकी स्पीड इश्यूज तो नहीं है। ये आखिरी लेक्चर जो मेरा अगला लेक्चर दूंगा ना, वो मैं आपको इसी के ऊपर दूंगा, जिसमें मैं कंप्लीट टेक्निकल एसईओ को बताऊंगा, तो फिर हम वेबसाइट की स्पीड के इश्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आगे आ गया मोबाइल यूजेबिलिटी, ये भी बता रहा है। क्या कह रहा है? व्हाई पेज आर नॉट यूजेबल ऑन मोबाइल, कहता है ये थोड़ा सा इसमें इशू भी है। क्या है जी? टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड और क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज। अब ये चीजें जो मैं डेवलपर को बताऊंगा कि भाई ये देखें ये मसलों को रिजॉल्व कर दें, वो ये कह रहे हैं टेक्स्ट छोटा है, ठीक है, और चीजें आपस में बहुत क्लोज है, तो मैं कहूंगा टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दो और जो इमेज है उसको थोड़ा सा छोटा कर दो, तो जब ये मसला हल हो जाएगा तो ये एरर भी। अब ये सारी बातें आपको कौन बता रहा है? सर्च कंसोल बता रहा है। करने के बाद हो सकता है 15 दिन के बाद बता दे, तो 15 दिन में वेबसाइट ऐसे चलती रहेगी? वो तो सारी उम्र ऐसे चल रही है वेबसाइट, ये हर किसी ने तो सर्च कंसोल नहीं बनाया हुआ है। बेसिकली तो सर्च कंसोल किसको बनाना चाहिए? डेवलपर को बनाना चाहिए ना, जब वो वेबसाइट बनाएगा। ठीक है, लेकिन उस डेवलपर तो ये करता ही नहीं है काम। ये काम तो उस वक्त किया जाता है जब हम लोग एसईओ करते हैं और वेबसाइट रैंक नहीं होती है, तो फिर हम फैक्टर्स चेक कर रहे होते हैं कि भाई इशू क्या है इसका। जी ये क्या लिखा हुआ है जी? सिक्योरिटी मैनुअल एक्शंस, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद और सिक्योरिटी में आओ नीचे फिर दोबारा से। सिक्योरिटी इश्यूज कोई नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी इशू होता, कोई SSL का इशू होता, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी का, कोई वायरस का इशू होता, तो यहाँ पे वो बताता। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये है क्या, कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बनना कैसे है, बनाना कैसे है हम लोगों ने। ठीक है, सो मैंने इसीलिए यहाँ पर एक खोली थी वेबसाइट, तो आपकी छोटी सी हम प्रैक्टिस भी करवाता हूँ मैं। मतलब बनाना है, ये सब कुछ करना है हमें, तो क्या चाहिए? नंबर वन, एक वेबसाइट होगी तभी करेंगे ना, एक सब डोमेन बना लेते हैं। हाँ, उसके अंदर मैं एक छोटी सी वेबसाइट बनाता हूँ और उसका सर्च कंसोल बना लेते हैं, सिंपल। तो आप लोग सब डोमेन बना सकते हैं ना, मैंने सिखाया हुआ ना। शाबाश, बोलो जरा क्या करें। मैं सी पैनल में हूँ इस वक्त, ठीक है, मैंने टाइम सेव करने के लिए मैं सी पैनल में आ गया था। कहाँ जाए? सब डोमेन में जाएंगे, यहाँ से एड इन डोमेन, एड इन डोमेन, एड इन डोमेन, ये सब डोमेन। ठीक है, इधर आया मैं और यहां आकर मैं सब डोमेन का नाम रख लेता हूं। आसान सा नाम रख लेता हूं इसका, नजीब्स 123। ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या आने वाला है? नजीब्स 123 डॉट ये वाला नाम इस पे बन रही है ना, इस डोमेन पे बन रही है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रखा जी नजीब 123। कहां पर इसका फोल्डर बनेगा? पब्लिक HTML में, एक ऑलरेडी भी बनी हुई है। बन गई, देखिए जरा बन गई है ना। अब हमें क्या करना है अगले मरले में? हमें क्या करना है अगले मरले में? हमें इस सब डोमेन के अंदर जाना है ना। ठीक है, तो यहां से आ जाए वापस मेन्यू में,
मेन्यू से कहाँ जाएं, आप फाइल मैनेजर में, पब्लिक एचटीएमएल में, जो चेक करें सब डोमेन बन गई है, बन गई ना। अभी मैं आपको समझाने के लिए इसमें कोई वेबसाइट अपलोड नहीं कर रहा, बल्कि एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं बस, क्योंकि अभी तक ये चल नहीं रही होगी। अगर मैं यहाँ लिखूँ ना, क्या नाम था इसका, नजीब्स 123 डॉट देखे ना क्या एरर आ रहा है। आप में से एक बंदा आके आ जाए यार, आपकी डिस्कशन चल रही है ना, मैं डिस्टर्ब होता हूँ। एक बंदा इधर आ जाए ना, थोड़ा सा मेरा लेक्चर और लग गया, वो थोड़ी सी बर्दाश्त के साथ पढ़ लें, फिर बेशक इतनी बड़ी डिस्कशन कीजिएगा, मुझसे भी कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मतलब इस वक्त ना कर लेना। अब क्या है, मुझे ऐसे लगता है ना फिर मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, ठीक है। एरर आ गया ना 404 का, पढ़ा था ना 404 एरर क्या होता है, रिडायरेक्ट हो गई ना, मतलब यहाँ पर कहता है आ तो गया हूँ मैं, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, ये 404 का एरर है। तो आ जाए वापस, है ही नहीं इंडेक्स की फाइल, बना लेते हैं। कैसे बनानी है जी, वैसे तो यहाँ पर वेबसाइट आएगी ना आपकी, लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए, ठीक है, विदाउट इंगेजिंग माई लैपटॉप, ठीक है, मैं कहता हूँ यहीं पर बना लेते हैं। तो मैं इधर आया, और फाइल का क्या नाम होना चाहिए जो वेबसाइट की मेन फाइल होती है, हाँ सही कह रहे हैं, क्या नाम होना चाहिए, नजीब नहीं यार, क्या हो गया, जिससे वेबसाइट आपकी चलती है वो कौन सी फाइल होती है, इंडेक्स होती है ना यार, क्या हो गया, इतनी छोटी बच्चोली बात भी नहीं बता रहे आपने, इंडेक्स डॉट एशिया बन गई। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, और ये क्या लिखा हुआ है, एडिट, एक छोटी सी वेबसाइट बना लेता हूँ और उस पर लिखता हूँ वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बना लेते हैं जी। ये आपको पता है ये कैसे बननी है ना, HTML लगाया, /HTML लगा दिया, स्लैश लगाया, बॉडी लगाया, H1 लगा देता हूँ एक, हाँ चले, इसका मैं एक एट्रीब्यूट आपको नया बता देता हूँ जो कि HTML के लिए होता है, BG color equals to red, ठीक है, text equals to white, देखिएगा क्या होता है, BG color भी हो गया, ये भी हो गया, और इसके अंदर जाकर मैं लिख देता हूँ साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी अभी वेबसाइट पे काम चल रहा है मेरा, ठीक है, सेव करें इस पे रिफ्रेश कर लें हम जरा, चलो कलर नहीं आया, बाकी सब कुछ हो गया, जब तो बात नहीं आया तो क्या कर सकते, उसने एट्रीब्यूट नहीं, हाँ उसने एट्रीब्यूट नहीं लिए, बीजी कलर क्या लिखा था हमने, रेड, चले छोड़ देते हैं इसको, रहने देते हैं, ये वैसे हुआ क्यों ऐसे, एक ट्राई और कर लेते हैं, नहीं तो रहने देंगे, हाँ रहने दे उसको, अब इसको रिमूव ही कर देते हैं ना, बल्कि वो बेसिकली हुआ क्या है, वो गलत जगह पे मैंने एट्रीब्यूट लगा दिए, इसको ठीक कर देते हैं, ये एट्रीब्यूट किसके हैं, ये बॉडी का एट्रीब्यूट था, पेज का कलर चेंज कर दो, पूरे पेज का कलर चेंज कर दो, ऊपर जो टाइपिंग करूं मैं वो व्हाइट कलर की कर दो। अब ये लाइव है ना, वेबसाइट तो लाइव है, अब इस वेबसाइट को मुझे अप्रूव कराना है गूगल से, क्यों करवा रहा हूं, अब आपको ये तो पता लग गया कि मुझे एनालिसिस चाहिए, इसलिए मैंने पहले सारी आपको स्टोरी सुनाई है कि सर्च कंसोल काम क्या करता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इस वेबसाइट को सर्च कंसोल के पास लेकर जाना है कि वो इसको वैलिडेट कर दे कि हाँ भाई अब मैं इसको आज के बाद एनालिसिस करना शुरू हो जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं सर्च कंसोल में, और सर्च कंसोल इसमें नहीं बनाते, इसलिए कि इसमें ऑलरेडी इतने सारे बने हुए हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं किसी नए जीमेल पर सर्च कंसोल बना देता हूँ, और नए जीमेल पर चलते हैं, इस पर चलते हैं, ठीक है, चलो जी गूगल पर चले जाएं सीधे,
आगे अब क्या करना है, सर्च कंसोल लिखना है यहाँ पे सर। आगे आपका कोर्स कब शुरू हुआ था बता, जो पुराना स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट जो है वो आप पहले हैं, दिसंबर में शुरू हुआ मेरा ख्याल, एंड ऑफ दिसंबर है ना। चलिए स्टार्ट पर आए, हाँ जी ये आएगी स्क्रीन आपको ऐसे, पहले तो ऐसे नहीं आ रही थी ना क्योंकि पहले बने हुए थे, वहां पर भी ये स्क्रीन आ जाएगी, मैं वहां पर भी आपको ये स्क्रीन दिखा देता हूँ, लेकिन करेंगे इस पे काम। वहां पर ये स्क्रीन कैसे आएगी, इधर आएंगे हम और इसके बिल्कुल बॉटम पर चले जाएंगे हम, सॉरी इस पे, ये है ना, इस पे क्लिक कीजिए, एंड पे देखें क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो आपकी वेबसाइट्स हैं ये यहाँ पर एज ए प्रॉपर्टीज ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये वेबसाइट्स तो ऑलरेडी आ रही हैं, अब आपको एक नई वेबसाइट लानी है, तो आप उसको कैसे ऐड करेंगे, ऐड प्रॉपर्टी के तौर पर। लेकिन जब आप पहली दफा एक ईमेल में अपना कंसोल क्रिएट करते हो तो वो ये कहे बगैर ही प्रॉपर्टी बना देगा, लेकिन जब दूसरी दफा बनाओगे कि एक उसमें बन गई होगी फिर क्लिक करोगे तो वो ऐड प्रॉपर्टी की ऑप्शन आना शुरू हो जाएगी इसमें, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखें उसी जगह पर चले गए, उधर आ जाते हैं वापस, बना लें जितने भी बनाए, कोई मसला नहीं है उसको, जितने आप हैंडल कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है। अब यहां पर उसने दो मेथड्स दिए हैं, एक मेथड पे लिखा हुआ है डोमेन और एक पे लिखा हुआ है यूआरएल प्रीफिक्स, ठीक है। एक है डोमेन लेवल वेरिफिकेशन, मतलब एक डोमेन लेवल हम सर्च कंसोल बना रहे हैं और एक यूआरएल लेवल। अब डोमेन लेवल का क्या मतलब है, क्या आपको ये तो पता लग गया कि एक डोमेन हो सकती है, एक होस्टिंग हो सकती है, उसमें बहुत सारी सब डोमेन्स भी हो सकती हैं और उसमें एडेड डोमेन्स भी हो सकती हैं। तो जब मैंने उसको डोमेन लेवल अप्रूव करा लिया, उसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि उसमें जब भी कोई आप सब डोमेन या एडिंग डोमेन लाओगे वो ऑटोमेटिक उसको सर्च कंसोल उसका क्रिएट हो जाएगा। मगर ये वाला जो काम है ये आपको होस्टिंग कंपनी से करवाना पड़ता है, इसमें बहुत सारी चेंजेस भी लाते हैं वो, इसमें आपका आईपी एड्रेस भी चाहिए होता है उनको, और ये तकरीबन 48 to 72 hours इसमें लग भी जाते हैं इसको इम्प्लीमेंट होते हुए। इसका मतलब क्या होगा कि इतनी देर के लिए तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए हम इस मेथड को यूज ही नहीं करते, वैसे भी हम चाह रहे हैं कि हमें सबका तो बनाना ना हो, अगर फिर इस तरह तो सभी का बन जाएगा ना, इसलिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, यूआरएल प्रीफिक्स वाला। सो मैं इधर आ गया, लेकिन वो हो सकता है किसी को अपने आईडी ना करना हो थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने अभी सब डोमेन बनाई है उसका भी बन गया ना सर्च कंसोल खुद बन गया। अच्छा अब इधर आ जाते हैं वापस, वेबसाइट हमारी है, इसको पिक करें, अटेंडेंस लगवा लें पहले आप लोग, चले जी यहां पर क्या किया मैंने, वेबसाइट लगा दी है, स्क्रीन पे आ जाए वापस, कंटिन्यू, अब क्या करेगा आगे से वो, हाँ जी क्या कह रहे हैं, कहता है वेरीफाई
ऑनरशिप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई अब आपने प्रूव, ऐसे तो ये ना कि कोई भी बैठा हो किसी की वेबसाइट का नाम लिख दे तो उसकी ऑनरशिप उसकी तो नहीं हो जाएगी ना, कहते हैं अब आपको ऑनरशिप दिखानी है। अब किसी भी वेबसाइट की जैसे आप अपने मोबाइल की ऑनरशिप दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? कोड आती है ना, एक मैंने कहा आपको एक कोड आता है ना सिम के ऊपर, फिर आप वो कोड भेजते हो तो उनको पता लग जाता है ये सिम आपके पास ही है। इसी तरीके से ये भी हमें एक कोड दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वाला कोड आप अपनी वेबसाइट के हेड में जाकर पेस्ट कर दें और फिर मुझे कहें कि मैं चेक करता हूँ कि क्या वो कोड आपने पेस्ट कर दिया है, तो मैं उसको लाइव चेक करूँगा आपकी वेबसाइट से। अगर मुझे वो कोड जो मैंने प्रोवाइड किया है आपकी वेबसाइट पे मिल जाता है तो आपकी वेबसाइट वेरीफाई हो जाएगी, अगर नहीं मिलेगा तो वेरीफाई नहीं करूँगा। तो वो कोड कौन से वाला है? वो ये कोड है। अब ये वाला जो कोड है पेस्ट करने के, उसके पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड क्या है? एक मेथड ये है कि इस फाइल को डाउनलोड करें और जहां पर आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है वहां पर इसे अपलोड कर दें, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कहता है? ये वो वाला तरीका है। चलिए, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। इस पे मैं क्लिक किया जी, चेंजेस एक आएगी ना, वो कौन सी चेंज आएगी? वो ये चेंज आएगी कि गूगल को ये पता लग जाएगा कि इस वेबसाइट की ऑनरशिप आपके पास है क्योंकि आपने उस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया ना उसको। अच्छा चलो जी, इसको आपने क्लिक किया, क्लिक क्यों नहीं हो रहा इस पे? नेट को और दूसरा तरीका क्या है जी? हाँ जी हो जाए, कोई बात नहीं है। दूसरा तरीका क्या? HTML टैग कहता है। दूसरी सूरत में मैं आपको एक टैग दूंगा, आपने उसे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको अब वेबसाइट की अपलोड नहीं करनी, बल्कि आपने क्या करना है उस टैग को हेड पोर्शन में लिख देना है। समझ आ गई बात की? अभी मैंने इंडेक्स की फाइल बनाई है ना, तो इंडेक्स के अंदर कहता है उसके अंदर उसको लिख दीजिए। हाँ जी, ये ज़्यादा आसान तरीका, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, आगे देखें, ये कोड है, कह रहे इसे कॉपी करें। कॉपी हो गया, उधर से डाउनलोड भी हो गया, दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। आ जाए वापस, इधर है, इधर है, ये तो ऑलरेडी खुला हुआ है ना मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ। अब वो क्या करता है, हेड में लगाओ। कहाँ लगाना चाहिए आपका क्या ख्याल? कोड कहाँ लगते हैं? बॉडी में तो कोई भी कोड नहीं लगता, इतने महीनों से मैं यही तो सुता रहा हूँ आपको कि जितने भी कोड्स हैं, जितनी भी चीजें होंगी, सब बॉडी में हमारा कंटेंट होगा। कोई भी वेरिफिकेशन, इवन हम फेसबुक पे भी काम करेंगे, वहां भी कोड आएंगे, कोई भी वेरिफिकेशन बॉडी में नहीं होगी। मैंने क्या आपको हेड का पर्पस बताया हुआ है ना कि इसमें मेटा टैग लगते हैं, डेफिनेशन जितनी भी होती हैं, जितनी भी चीज़ों को हम डिफाइन करना होता है वो सब कुछ हम वहाँ पे लगाते हैं। तो अब यहाँ पर आकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, हो गया पेस्ट, एक ही मेथड था। चलें जी, इसको भी सेव कर देता हूँ मैं, इसको भी क्लोज कर दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वेबसाइट को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपके लिए, मैं क्या आपके लिए, क्लाइंट्स के लिए इस वेबसाइट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गूगल को ये पता लग गया कि भाई आप मेरे पास आए थे इसका सर्च कंसोल बनाने, तो ये वेबसाइट वाकई आपकी है। अच्छा, आप दूसरा तरीका क्या है, इस पे आओ। क्या कह रहे थे, अपलोड करो यहाँ पे। क्या करेंगे हम, अपलोड कहाँ है जी, अपलोड देखो, यही है, ये वेबसाइट कहाँ पे आई है, सिलेक्ट करें, डाउनलोड्स, ये नाम। अब इसका भी ये नाम, अगर इसकी अभी एक कॉपी खुल जाती तो इसके सी के आगे वन लिखा होना था ना, इसकी दूसरी कॉपी खुल जाती तो इसके आगे टू लिखा होना था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो फाइल है ये ओरिजिनल फाइल नहीं है। अगर इसका ये नाम होना चाहिए, इस नाम के आगे पीछे कुछ भी लग गया, जैसे वो रोबोट्स को रिकग्नाइज नहीं करता, जैसे वो साइट मैप को रिकग्नाइज नहीं करता, उसी तरह वो इसको भी रिकग्नाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लगाना है आपने जी, इसको भी मैंने अपलोड कर दिया, ये आपको समझाने के लिए मैंने दोनों अपलोड कर दिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, वापस आ जाए वहीं पे जहां पे थी है। अब दो हमने वेरिफिकेशन के मेथड यूज कर लिए, दो मेथड तो कहीं यूज नहीं करने, मैंने तो आपको समझाने के लिए दोनों मेथड यूज कर लिए, आपको तो इन दोनों में से किसी एक पर जाना है। अब आपने जब उसको वेरीफाई करना होगा तो आपने उन दो मेथड में से उस मेथड को यूज करना है जो आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों में ही वेरीफाई का बटन लगा हुआ है, मतलब ये ऊपर भी वेरीफाई है
अगर आपने फाइल अपलोड किया है तो आपने ये वाला वेरीफाई यूज करना है, और अगर आपने कोड किया है तो ये वाला वेरीफाई, ठीक है। यानी वेरिफिकेशन भी उस जगह से ही करनी है जिस जगह को आपने इस्तेमाल किया है। तो हमने तो दोनों ही किए थे, पहले मैं इसको कर लूं। हो गई, चलो दूसरे को करूंगा उससे भी हो जाएगी। गो टू प्रॉपर्टी, यानी अब अप्रूव हो गई है, यानी अब क्या हो गया, अब ये सर्च कंसोल पे से आप चढ़ गई आपकी वेबसाइट। हाँ, आज से सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट के एनालिसिस करना शुरू हो चुका है, ठीक है, आ गई ना। और सिर्फ एक ही आ रही है, एक ही आ रही है, और एड प्रॉपर्टी का बटन इसमें भी आ गया, कहता है भाई कोड लगानी है तो लगा लें। एक को क्या कह रहा है, वेरीफाई है, एक को क्या कह रहा है, इसमें ऑलरेडी भी एक पड़ी हुई है अनवेरीफाई, ठीक है। मैं कह इसमें एक और भी पड़ी हुई है, चले ये भी हम देख लेते हैं इसे रिमूव कैसे करना है। ये ले, नहीं है ना वेरीफाई है, समझ आ गई बात की, ये क्या लिखा हुआ है, रिमूव, बस अब ये रिमूव हो गई। अच्छा अब इधर है वापस। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूं कि इनमें से ये जो अनवेरीफाइड आ रही हैं, कितनी सारी अनवेरीफाइड हैं, ये सभी पढ़ाने के लिए यूज की होंगी मैंने, तो मैं किसी एक को पिक करता हूँ, इसको पिक कर लेता हूँ, ये तो सारी उसी में जा रही है। चले यूं करते हैं, हम किसी वेरीफाइड पर चले जाते हैं। हाँ, तो ये क्या जी, अलामा शफात रसूल आ रही है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केट, इसको दो, इसको ये अभी तक वेरीफाइड है ना, इस पर क्लिक करें। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे थे, ये देखो सिक्योरिटी इशू भी इसने दिखा दिया इस वेबसाइट में, सिक्योरिटी कहता है इस वेबसाइट में सिक्योरिटी इशू है, ठीक है। क्या कहता है, कहता है गूगल हैज डिटेक्टेड हार्मफुल कंटेंट ऑन सम ऑफ योर वेबसाइट। अब हार्मफुल कंटेंट का मतलब है वायरस, ठीक है, कहता है इसमें कोई वायरस पड़ा हुआ। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इस पूरी प्रॉपर्टी को रिमूव करने जा रहे हैं, ठीक है, जरा देखते हैं ये कहां से रिमूव होनी है। एंड पे क्या लिखा हुआ है, सेटिंग, सेटिंग पे डाटा भी इरेज कर देगा। इसके पास तो कोई डाटा नहीं है, मतलब इसके पास कोई डाटा नहीं है, इसने तो आपकी वेबसाइट से डाटा पिक करना है। अब अपने पास जो एनालिसिस है वो रिमूव, यानी वो खत्म, बिल्कुल यहां से हम रिमूव कर रहे हैं, अनवेरीफाइड स्टेट में चली जाएगी। ये लीजिए क्या आ रहा है, काफी कुछ आ रहा है, यू आर द ऑनर यूजर एंड परमिशंस, ये भी आपको बताता हूं ये क्या चीज है, ये क्या लिखा हुआ है, फिर नए सिरे से आए नहीं, अब इसको खत्म करेंगे, उधर से भी रिमूव कर दूंगा जाके अगर कहीं पड़ी हुई है, ठीक है, फिर सही क्लीन वाली वेबसाइट अपलोड करूंगा। रिमूव हो गई। अच्छा अब आ जाते हैं अपनी वापस इसी पे, प्रोफेशनल किचन पे आ गए। अब ये जरा ये और चीज समझिएगा, अब ये जो प्रोफाइल है ये मैंने बनाई है, ऐसे ही है ना, आप सब देख रहे हैं, आपको ये भी पता लग रहा होगा मेरे कस्टमर्स की, मेरे क्लाइंट्स की जो चीजें होंगी, जो भी उसकी वेबसाइट्स होंगी, उनके हर किसी का सर्च कंसोल तो वही बना रहा हूँ, वो खुद तो नहीं बना सकते ना। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब मैंने क्या उनके साथ लॉन्ग टाइम काम करना है कि नहीं करना, क्या मैंने उनको करके दे देना है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे उनको भी परमिशन देनी चाहिए सर्च कंसोल की। हो सकता है मैं उनका आज काम ही छोड़ रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे तो छोड़ना भी है इसको, लीव भी करना है ना इस प्रोफाइल को। तो अब हम ये देखते हैं कि किसी दूसरे को आप इस सर्च कंसोल पर कैसे परमिशन देते हैं, कैसे ऐड करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। So, इसके लिए मैं एक एग्जांपल करता हूँ, वो ये करता हूँ कि इधर मैं ऐड करता हूँ, कहाँ से गए थे मैं ये सारे काम करने में, कहाँ गया था पहले, सेटिंग्स में गए थे, आगे अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यू आर वेरीफाइड ऑनर, और ये नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाँ जी, इस पर देखें ऑलरेडी कितने सारे लोग हैं, है ना। मैं कह इसमें कितने सारे लोग ऑलरेडी हैं, सेल्स वन भी है, सेल्स टू भी है, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ सेल टू को इसमें से रिमूव कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ ऑनर, और ये क्या लिखा हुआ फुल,
तो रिमूव करने का क्या तरीका होगा जी, इस पर क्लिक कीजिए। फुल का मतलब सही है क्या? फुल का मतलब है कि उसको फुल एक्सेस दिया हुआ है। एक तो ऑन फुल एक्सेस का मतलब है वो जो काम मैं कर रहा हूँ वो भी कर सकेगा, मगर वो ऑनर नहीं है। ऑनर ना होने का मतलब क्या है कि वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क तो नहीं कर पाएगा, मुझे रिमूव तो नहीं कर पाएगा ना जो ऑनर है उसको, लेकिन बाकी की जो काम उसने करनी है, जो एनालिसिस उसने करनी है, वो सारे करेंगे। इवन फुल के अलावा भी होगा कुछ। पहले इसको रिमूव करते हैं। किसको रिमूव किया जी? मैंने टू को, ठीक है। अब मैं देखेंगे वन किस तरह का है या और कौन कौन से हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑनर, फुल और रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब है? आप देख रहे हैं मैं कितनी सारी चेंजेस भी तो कर रहा हूँ उसमें, यानी वो उसको मैंने सिर्फ ये कहा कि तुम देख लो। मुझे लग रहा है कि कस्टमर भी देखना चाह रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें कस्टमर के देखने से रिलेटेड है ना। यानी कस्टमर पूछेगा ना भाई क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है, तो मैं उसका भी एक अकाउंट इसमें बना दूंगा रिस्ट्रिक्टेड मोड में। और मैं उसे कहूंगा भाई खोल कर देख लो, आपको पता लग जाएगा कि आप किस किस कीवर्ड के अगेंस्ट सर्च हो रहे हो। हर चीज एनालिसिस आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लाइंट हमें बताएगा फिर हम बताएंगे। हाँ लाजमी बात है, वो आपसे पूछेगा क्या हो रहा है भाई मेरे कीवर्ड की गेम में कहाँ पे नजर आ रहा हूँ, वो खुद ही देखकर आपको बताया करेगा रात को नहीं आ रहा नजर भाई क्या हो गया। हाँ अच्छा, अब हम ये तो पता लग गया। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं एक यूजर ऐड करने जा रहा हूँ। क्या करेंगे? ऐड यूजर, यहाँ पर ईमेल देंगे उसका जिसको ऐड करना है। मिसाल के तौर पर मैंने भी जो रिमूव किया ना, मैं उसी को ऐड करता हूँ, नजीब solutions.sales2@gmail.com। और यहाँ ये मैं इस दफा इसको भी ऑनर कर रहा हूँ जी। अभी देखते हैं क्या, नहीं खुद तो ना करेगा, रिमूव कर सकता है, अब उसको राइट चलेंगे। ठीक है, ऐड करें, आ गया। अब मैं यहां से ना अपना ये वाला ईमेल खोलता हूँ, ईमेल देखें कोई मेल वगैरह ये क्या हुआ है, क्या मेल पे इंटीमेशन आ रही है कि सीधी उधर आएगी, देखें सर। सर साइट पे भी ईमेल खुल गया, फर्स्ट टैब पे गूगल सर्च में होता है, आगे मैसेज मुझे जी, मैं इस पे क्लिक करूंगा। जी कहता है गेटिंग स्टार्टेड यूजिंग दिस दिस दिस, इस पे क्लिक करें। ये तो उसने वेबसाइट दिखाई है ना मुझे कि इसका बन गया जी। ठीक है, अब बेशक मैं यहां से सर्च कंसोल पे सीधा चले जाऊं। तो ये हमारा सर्च कंसोल का टॉपिक खत्म हो गया। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया सारा, उसका कॉन्सेप्ट भी दे दिया। ठीक है, इस पे स्टार्ट करें। किसको ऐड किया था अभी हमने? कमर्शियल किचन को किया मेरा ख्याल है ना? यस सर। प्रोफेशनल किचन को किया। ये मेरे पास ऐड हो गया। अब ये ऑनर है, अब ये चाहे तो किसी ऑनर को भी रिमूव कर देगा, यानी इसके पास ये वाले राइट्स भी सारे हो गए। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड होगा वो सिर्फ आप समझ लो उसको व्यू के राइट्स हैं, वो सिर्फ देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो जी, आज का लेक्चर।